एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य ये है कि जीवाश्म ईंधन पर दुनिया की निर्भरता से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में काफी बड़े बदलाव को देख रहे हैं। लेकिन ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और इसका समाधान जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटाना और उसकी जगह दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना है। लेकिन ये एक महंगी और कठिन चुनौती है। जलवायु परिवर्तन और उसके गंभीर प्रभावों से संघर्ष करने के क्रम में भारत ने सौर, पवन और जल विद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने की पहल की है। हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में ब्रिटेन के ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूँ। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। तो भारत इस लक्ष्य को किस प्रकार हासिल करेगा? विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम जल ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका और स्वच्छ स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के भारत के अथक प्रयासों को देखेंगे। हम आपको अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर भी ले जाएंगे, जहां सुबानसिरी नदी पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यहां हम देखेंगे कि कैसे NHPC और उसके ठेकेदार इस 2000 मेगावाट परियोजना के विशाल बुनियादी ढांचे के निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। ये परियोजना लाखों घरों को रोशन करेगा और पूरी क्षमता से चालू होने के बाद असंख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली सप्लाई करेगा। हम जल विद्युत स्टेशनों के महत्वपूर्ण पहलुओं को भी देखेंगे, जैसे कि पहाड़ों के नाजुक भूगर्भीय स्थानों पर हेडरेस टनल को बिना विस्फोटकों के कैसे ड्रिल किया जा रहा है और टर्बाइन तकनीक का उपयोग अन्य पहलुओं के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए कैसे किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।